उत्तराखंड उधम सिंह नगर में 40 लाख का रोड एक हफ्ते में उखाड़ना शुरू। स्थानीय वार्ड वासियों में काफी आक्रोश, नगर पंचायत के ऊपर उठ रहा है सवाल, अधिशासी अधिकारी का क्या घेरा। आपको बता दें, गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 और 7 संतरपुर रोड 1.2 किलोमीटर काफी जर्जर स्थिति में थी। स्थानीय लोगों ने कई बार विधायक अरविंद पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार एवं अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया व सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। 1.2 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई। सड़क बनाने के लिए लगभग 39 लाख पास हुए। धनराशि स्वीकृत होने के बाद सड़क को हॉट मिक्स बनाया गया। सड़क बनाने के एक हफ्ते बाद ही सड़क उखड़ने लगी, जिस पर ठेकेदार द्वारा सड़क पर पुनः जगह जगह डामरीकरण किया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया और बताया कि ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण रात में करवाया गया है। ऐसा है, ये जो रोड है हॉट मिक्स रोड बना है, ये 3 साल से हम लोग इस के लिए मांग कर रहे थे और 3 साल बाद जब ये रोड बना है तो इतना बेकार बना है कि रातों रात उन्होंने, जो ठेकेदार है, उन्होंने माल डाला रात में और बिना किसी बाट के लोगों के प्रेजेंटेशन के उन्होंने ये काम किया और अगली सुबह ये रोड ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ माल डाला ही नहीं है। ये बताना चाहूँगा, अभी मेरे सुबल चाचा ने बोला कि 15 साल से ज़्यादा हो गए इस रोड को बनाए हुए, पर इस रोड का एक्यूरेट जो है 15 साल से ज़्यादा हो गए थे। मैंने जब स्कूल में बचपन में एडमिशन लिया था, नर्सरी में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हो गया पिछले साल, तो आप लगा सकते हो 17-18 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। और इस रोड में इस रोड की हालत इतनी ख़राब थी, मतलब रोड तो था ही नहीं, गाड़ी आते जाते बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। इसमें एक छोटी सी, अभी पिछले साल ही छोटी सी एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, बच्ची का तुरंत मौत हो गई है। रात को उसको जो रोड डाली है, रात को डाली नहीं डालनी चाहिए थी रात, क्योंकि उसको टेक टेम्परेचर होता है ना उस टाइम से, क्या अकॉर्डिंग अगर वो दिन में डालता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन रात को डाला था। चलिए कोई नहीं, उसकी शिकायत अभी लिखित रूप में तो मेरे पास नहीं आई, लेकिन मौखिक रूप से जो मेरे पास लोगों का आया था तो उसके आधार पर मैंने उसे नोटिस दिया था और नोटिस के बिहाफ में उसने बोला था 1-2 दिन से मैं काम शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे संज्ञान में जहाँ तक कि वो काम कर रहा है अभी, तो मुझे फ़ोन भी आया था अभी सुबह किसी सज्जन का वहीं से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम वहाँ पे काम चला, तो मैंने जेई को बोला है कि आप मौके पे जाओ और देखो, क्योंकि टेक्निकल जेई को ज़्यादा पता होता है, तो जेई जा रहे हैं और मौके पर से देख के देखेंगे, ठीक है। मतलब जिस चीज़ अभी देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।